फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम दोनों रेडी होके जा रहे हैं माँ बेटे, इसके फ्रेंड के यहाँ और मेरे फ्रेंड के, मतलब इसकी मॉम जो है वो मेरी फ्रेंड है और बच्चा जो है मेरे बेटे का फ्रेंड है। तो हम जा रहे हैं हमारी फ्रेंड के यहाँ। एक बार शॉपिंग ब्लॉग में शायद आपने देखा होगा उसको। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड मैत्री के यहाँ बिकॉज उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। डर गई, ये मेरे पैर में अड़ गया तो मुझे लगा कुछ बिल्ली बिल्ली। ओह लिफ्ट में डर लग गया भाई, बहुत डरती हूँ। मैंने कल छिपकल ही देख लिया तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। सो एनीवेज क्या बोली थी, भूल गई, पिंपल है तो फूट गई। अरे यार निकल गए हम उसके यहाँ जाने के लिए। थोड़ी सी दूर में है तो हम वॉक करके जाएंगे। और उसकी तबीयत ख़राब है, स्लिप डिस्क हुआ है उसको, तो उसको बेड रेस्ट बताया है। तो मैंने सोचा चलो मिल के आते हैं। और आज मैंने डोनट बनाए थे तो डोनट भी उसको दे के आती हूँ मैं फटाफट से। डोनट बना के रखे मैंने, थोड़े ठंडे हुए तो फिर मैंने पैक किया और ज़्यादा नहीं बनाए थे तो थोड़े से ही डोनट हैं जो कि हम ले कर चलें अपने फ्रेंड के यहाँ। तो चलिए चलते हैं। को एक चीज़ बताना तो भूल ही गई कि मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड के लिए क्या बनाया है। चुने दिखाओ, ये है कीरिंग जो कि इसने हाथ से बनाया है। इसको एविलाई बोलते हैं ना, जो एविलाई वाला कीरिंग वो बनाया है इसने और बोला है कि मैं अपने फ्रेंड को दूंगा। और ये बच्चा दिन भर मस्ती करता है, खेलता है, बट इसको है ना पैदल जाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऑटो से चलो, ऑटो से चलो, ऑटो से चलो कर रहा है। यही तो घर है उसका, क्या ऑटो से चलो। देखो उसका मुंह कैसा हो रखा है, मुंह दिखा दे, अपना मुंह दिखा दे जल्दी। अरे कोई लड़के का मुंह दिखा, चलो ऑटो से चले। देखो इसका मुंह। चलो एनीवेज इसका मुंह तो ये दिखाने वाला नहीं है। ऐसे तो बड़ा सुंदर फेस है तुम्हारा, उल्टे लो कीरिंग तुम्हारा रख लो, पकड़ो। अरे तो चलिए मिलती हूँ आपको डायरेक्टली उसकी बिल्डिंग में। सो यह आते से हमारा स्वागत किया है इन्होंने। सो हम पहुँच गए हैं जी अपनी फ्रेंड की बिल्डिंग में, जो कि ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बिल्डिंग में पूरा काम चल रहा है रेनोवेशन का। राम देखो किसी पूरे ऊपर बड़े बाम्बू है, तो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, 2 साल। ये बिल्डिंग देखो ऐसी है मम्मा, ऐसी देखो। हाँ ऐसी है, स्लोप वाली नहीं। तो मेरी फ्रेंड का 15वें या 17वें माले पे शायद उसका 17th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो चलिए पहुँचते हैं, देखो खुश नीचे खड़ा है, है ना। तो चलिए हम डायरेक्टली घर पहुँचते हैं। फ्रेंड खड़ा हुआ है बाहर ही, दिखाती हूँ। किया ओके, हमको लेने ही आया होगा। वी आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट, जल्दी से लिफ्ट आ रही है नीचे और फिर हम जाते हैं। ये वाली जो बैक लिफ्ट होती है ना, इससे मुझे बहुत चक्कर आते हैं। कोई भी नहीं मेरे साथ लिफ्ट में, मुझे इतना डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। हाय हाय, यस वी रीच्ड। तो व्लॉगिंग अभी मैं बंद कर देती हूँ और मिलती हूँ अपनी फ्रेंड से, ठीक है। सो फ्रेंड के यहाँ से वापस आ गई हूँ मैं और अब फटाफट से खाना बनाती हूँ रिशु के लिए, क्योंकि हमने बाहर पानी पूरी खा ली थी। तो पानी पूरी खाने के बाद तो भूख नहीं रही मुझे, मैं रिशु के लिए बनाऊँगी बस और अपने लिए नहीं मांगने वाली हूँ। सो रात को डिनर के बाद नीचे आ गए थे तो इधर वॉक किया, उसके बाद में साइकिलिंग वगैरह किया। ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये मेरे पापा है, वो महिला मेरी मम्मी है। देखा आपने, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ही देना। रात को आए मेरे हस्बैंड, मैंने बोला डोनट बनाए मैंने आज, तो उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला, एक डोनट छोटा था लास्ट वाला, तो
तो बोला उन्होंने, अरे ये तो मेंदू वड़ा है। तो मैंने बोला, डोनट मेंदू वड़े का शेप एक जैसा होता है, पर आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते। इतनी बड़ी इंसल्ट, भयंकर बड़ी इंसल्ट मेरी हुई है। और पहले तो मैंने बिगाड़े थे, जब नहीं हुई, जब मैंने अच्छे बनाए तब हुई है। तो मैं हो गई गुस्सा, मैंने बोला अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि कुछ नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी ना। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।